सुखिया गाइस आपको भी आपके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ आ रहा है यू कांट यूज सम फीचर्स राइट नाउ, तो क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि सॉल्व करना सोच मैं आपको आज क्लियर कर देने वाला हूँ, बस आपको करना वाला वीडियो में तक बने रहना। सो ये गाइस अकाउंट स्टेटस है, इसमें आपको दिख रहा है फीचर्स यू कांट यूज। अब अपन एक काम करते हैं, अपन ना फीचर यू कांट यूज पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा ना तो लिखा हुआ आने लगेगा आपको, जैसे कि मेरे को आ रहा है यू कांट यूज सम फीचर्स राइट नाउ, और लिखा हुआ आ रहा है वी एड रिस्ट्रिक्शंस टू योर अकाउंट व्हेन योर एक्टिविटी ऑन इंस्टाग्राम मे नॉट फॉलो अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो देखो भाई सिंपल यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे, मतलब कि इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे, तो इंस्टाग्राम ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा आपके अकाउंट में। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन मतलब कि रुकावट है, मतलब कि आप कुछ काम नहीं कर पाओगे कुछ टाइम तक के लिए। और आपको नीचे से क्या आ रहा होगा, एन इन्फोर्समेंट इज ब्लॉकिंग योर अकाउंट फ्रॉम यूजिंग मल्टीपल फीचर्स। अब ये क्या है, अब मतलब कि भाई इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या फीचर यूज़ नहीं कर सकते और कब तक यूज़ नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि मेरे को लिखा हुआ आ रहा है वी एडिट रिस्ट्रिक्शन टू योर अकाउंट, और बता रहा है व्हाट दिस मींस, इसका क्या मतलब है। देखो भाई पहली बात तो आप यू कांट लाइक फॉर वन डे, मतलब कि आप एक दिन के लिए लाइक वगैरह नहीं कर पाओगे किसी को भी। दूसरा आ रहा है यू कांट कमेंट फॉर वन डे, यू कांट फॉलो फॉर वन डे, यू कांट अनफॉलो फॉर वन डे। अब ये क्या है, मतलब कि भाई आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा, मतलब ऐसी रुकावट है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते और अनफॉलो भी। भाई ये चारों चीज़ें आप कब तक नहीं कर सकते, उसी के नीचे लिखा हुआ एंड ऑन जुलाई 23, मतलब एक दिन तक आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या बता रहे, मोर इन्फॉर्मेशन अवर गाइडलाइंस ऑन स्पैम हाउ वी मेक डिसीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम ने गलती से दे दिया है तो आपको सिंपली नीचे कन्फर्म इट्स यू का ऑप्शन आ रहा है, ये रिक्वेस्ट का। अब क्या बता रहा, आपके पास ना 175 डेज है। अब हो सकता है भाई शायद 180 मिलते हैं या कितने मिलते हैं वो मेरे को नहीं मालूम, पर आपको ना दिख रहा हो कि आपको कितने दिन और रिव्यू करवाने के लिए, तो आपको सिंपली कन्फर्म इट्स यू पे क्लिक कर देना तो जल्दी वो रिमूव हो जाएगी। वरना फिर जितना एंड टाइम जितना दिया हुआ है कितने दिन में एंड होगा ये वो तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम ही है, तो उतने में तो आपने हट ही जाएगी। पर उससे पहले अगर हटानी है ना तो कन्फर्म इट्स यू पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अभी ऊपर पढ़ते हैं, पहले क्या बता रहा है, योर एक्टिविटी ऑन इंस्टाग्राम मे नॉट फॉलो अवर गाइडलाइंस, मतलब कि आपकी जो इंस्टाग्राम की एक्टिविटी है जब हरकत कर दो, या तो आपने भाई कोई के अकाउंट में आके धंधा धंधा लाइक्स करी होंगी इकट्ठे के हुई के अकाउंट में, या तो आपने बहुत से लोगों को अनफॉलो मारा होगा, या फिर आप बहुत से लोगों को एक ही बार में फॉलो कर लेते होगे, तो एक लिमिट से ज़्यादा अपन करते हैं ना तो ऐसा होता। तो बता रहा है यू कैन ट्राई टू रिवर्स अवर डिसीजन बाय कन्फर्मिंग योर आइडेंटिटी। आप भाई अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करके ना डिसीजन को रिवर्स भी करा सकते हो, तो आपको सिंपली कन्फर्म इट्स यू पे क्लिक कर देना है, तो आपकी प्रॉब्लम है भाई सॉल्व हो जाएगी। पर बात ये आती है कि भाई ये लगा क्यों यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो देखो भाई शायद आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी हो जो आपको खुद ही पता नहीं चला हो पर आपने करी हो। तो देखो ऐसा अकाउंट तो उसका देखेगा जिसने भाई कोई गाइडलाइंस को ब्रेक करा, जिसने नहीं करा उसका अकाउंट कैसे देखेगा वो भी देख लो। तो कांट यूज़ यहाँ पे ब्लू ग्रीन टिक आ रहा होगा, तो ग्रीन टिक आ रहा है मतलब आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं खुद लिखा हुआ आ रहा, अगर आप कोई गाइडलाइंस को ब्रेक करोगे तो आप काम रिस्ट्रिक्शन डालेगा कमेंट में, फॉलो में, लाइव में और लाइकिंग में, तो ये सब चीज़ें लगता है। पर आगे ना लगे तो क्या करना है, ये गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे ना तो आपको आगे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भाई मैंने इसमें लॉन्ग में तो बहुत वीडियो बना के रखी हुई है, पर मैं आपको इसमें से शॉर्ट में समझाऊंगा, तो आपको डिटेल में जानना तो आपको वीडियो की जो लिंक है वो आई बटन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले चीज़ क्या आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि आपको हक नहीं है किसी और की वीडियो को उठा के अपने अकाउंट में डालने का, आपको सिर्फ वही कंटेंट डालना है जो खुद का आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, किसी और का आप नहीं डाल सकते। अगला आ रहा है भाई आपके अकाउंट में न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्पैम फ्री अकाउंट रखना, मतलब कि आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है लाइक्स फॉलोअर्स किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। भाई मेन ना दिक्कत आती है ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करा होगा ना तो ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, ज़्यादा लोग को तभी आती है। अब अगला क्या आ रहा है, आपको इम्पर्सनेट नहीं करना है। अब भाई इम्पर्सनेट क्या होता है, भाई इंस्टाग्राम ऐसा चाहता है भले ही अपने खुद के नाम से अकाउंट मत बनाओ और आप जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ जो भी प्रोवाइड करो ना वो आपकी खुद की होनी चाहिए। आपको आपका भाई मकसद ये नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ गाइडेंस को ब्रेक करने के लिए अकाउंट बनाओ। आपको फॉलो करना है एल्कोहल, सेक्सुअल सर्विसेज, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे दिख भी रहा आपको बहुत सारी चीज़ें ड्रग व्रग से रिलेटेड, आपको सबको रीड कर लेना। तो अगर आप कोई भी रेगुलेटेड गुड्स का बाय सेल करते हो ना तो आपको पहले लॉ को फॉलो करते हुए करना है। और फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे कि ये हो गया गैमलिंग के गेम्स हो गया या फिर कोई भी ऑनलाइन लॉटरीज वाले, भाई ये सब अगर आपको करना है तो आपको रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, आप तो ही कर सकते हो। आप क्या बता रहे, आपको ना भाई इंस्टाग्राम पे बाकी लोग का रिस्पेक्ट करना, मतलब कि कमेंट में गाली गलौज नहीं करना, किसी के डीएम में गाली गलौज नहीं करना। आपको सभी सेक्स, जेंडर, आइडेंटिटी जितने भी लोग हैं सबकी इज्जत करनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है।
आपको भाई बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको एक्सीडेंट की वीडियो डालते हो, उसमें आपको खुद को भी लगेगी और लोग देखेंगे उन्हें भी लगेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें वीडियो में खून वगैरह दिख रहा हो, फिर ब्लड कोई कटवट ऐसा दिख रहा हो, ये सब भी नहीं होना चाहिए। अब ये बता रहा भाई आपको ग्राफिकल वायलेंस नहीं करना है, वही सेम चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब क्या बता रहा है आपको कि ऐसी कोई भी इमेजेस यूज़ नहीं करनी है फालतू की आपको मालूम है, ठीक है। अब क्या बता रहा है, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गाइडेंस को ब्रेक कर रहा है, आप उसके खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। फाइल रिपोर्ट पर क्लिक करके आप कोई को भी अनफॉलो कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई आपके कंटेंट को या फिर ट्रेडमार्क को, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क मतलब कि जो हर एक ब्रांड की एक पहचान हो जाए, फिर आपकी कोई खुद की एक पहचान होगी, कोई भी सिंबल वगैरह हो सकता है, तो आप उसके खिलाफ भी कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो भाई ये सब था कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। जो आ रहा था ना, क्या आ रहा था, यू कांट यूज सम फीचर राइट नाउ वाला, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। सो आई होप सबको क्लियर वगैरह हो गया होगा। कुछ डाउट हो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो।